नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव। आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रीमियम प्रो सीसी 2018 का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम सॉन्ग एडिटिंग करेंगे। ठीक है, एक कवर सॉन्ग को कैसे एडिटिंग किया जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कैसे शूट किया जाता है, सारे टॉपिक पर आज बात करेंगे। जो कि मैंने ये वीडियो फुटेज जो डाउनलोड किया है वो द ग्रे इंडिया चैनल से है, पंजाब का चैनल है वो, जो राजन राजन मदन जी का द ग्रे इंडिया चैनल, उसके ऊपर से मैंने ये वीडियो डाउनलोड किया है ओरिजिनल फुटेज। और जो सॉन्ग्स है पूरा फुल सॉन्ग्स ओरिजिनल बनाया है वो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा द ग्रे इंडिया चैनल, इस पर इनके जो है हाउ टू एडिट कवर सॉन्ग्स वीडियो, ठीक है, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ये ओरिजिनल फुटेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा उसके अंदर का ये फुटेज, 15 फुटेज है और एक कवर सॉन्ग से ओरिजिनल सॉन्ग से, वो भी वेब फॉर्म में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सॉन्ग से, ठीक है, और MP3 फॉर्मेट थोड़ा सा कम होता है, वेब फॉर्मेट बहुत ही अच्छा फॉर्मेट होता है और उसकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ओरिजिनल फुटेज आप में दे दिया है एडिटिंग के लिए और सॉन्ग भी ओरिजिनल दे दिया है। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ एडिटिंग के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो पूरा फोल्डर है ये पहले प्रीमियम के अंदर इनपुट करना है। ठीक है, मैं मेरे पहला आपको एडिटिंग किया वाला दिखाता हूँ, एडोब प्रीमियम प्रो सीसी 2018। ओके, जैसे जैसे काम होता रहता है वैसे वैसे अलग अलग तरीके से मैं सेव करता हूँ। ठीक है, पहले फुटेज को सिंक किया, वो सेव किया, उसके बाद में फुटेज को कट किया, वो सेव किया, उसके बाद में इफेक्ट दिया, उसको सेव किया, अलग अलग थे। ठीक है, क्योंकि मुझे सारी प्रोसेस याद रहे इसीलिए मैंने अलग अलग फाइल सेव किया है। ठीक है, मैं फाइनल आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, एकदम HD क्वालिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने पूरा का पूरा जो फोल्डर जो डाउनलोड किया है वो पूरा ये फोल्डर है पूरा का पूरा इसे उठा के प्रीमियम के अंदर इधर इनपुट किया है। ठीक है, तो ऐसे फोल्डर खोलने के बाद में यहाँ पर नीचे टाइमलाइन पर ऑडियो ले लिया है। ठीक है, और ऊपर जो एडजस्टमेंट लेयर है और एक फिल्म कट करने के लिए जो अपना सिनेमा स्कोप होता है वो यहाँ पर एक फ्रेम लगी है। ठीक है, ओके, ये ऊपर वाली फ्रेम। ओके, और नीचे कलर करेक्शन किया वाला एडजस्टमेंट ले रहे। ओके, अब देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। कलर करेक्शन, ओके, मुझे ज़्यादा अच्छे कलर पसंद है तो मैंने उसी तरीके से कलर रखा है। ओके, देख रहे हैं आप, उसमें जो डल कलर पड़ा था मैंने उसको कलर लाया है, लेकिन ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं किया है। आपको कलर करेक्शन दिखाऊँ सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए बेसिक पे मैंने कलर टेम्परेचर को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, एक्सपोजर को 0.3 से ज़्यादा बढ़ाया है, कॉन्ट्रास्ट को भी 13 बढ़ाया है 13 पर, और हाईलाइट को थोड़ा सा कम किया है 0.5। ओके, और वाइट को भी माइनस किया है -10, और ब्लैक को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, सैचुरेशन को थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है 10% पे, तो क्योंकि उसमें थोड़े से वीडियो जब ओरिजिनल फुटेज होते हैं वो फ्लैट वीडियो होता है। ठीक है, तो फ्लैट होने के लिए उसको थोड़ा सा कलर चाहिए, तो आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो सैचुरेशन कितना बढ़ाना है, लगभग 10 के आसपास। ठीक है, तो मैंने सैचुरेशन बढ़ाया है, और करो जो फोटोशॉप के अंदर होता है अपन Ctrl+M करके करो बढ़ा देते हैं, वहाँ पर लाइटिंग बढ़ जाती है, तो उसमें 4 कलर होते हैं, RGB कलर और एक वाइट कलर, तो वाइट कलर को मैंने थोड़ा सा लाइट किया है, थोड़ा सा नॉर्मली किया है, और डार्क को थोड़ा सा डार्क कम ले लिया है। ठीक है, और बाकी रेड कम करना है या ब्लू येलो कम करना है
तो थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, बाकी कुछ किया नहीं है, बाकी सारी नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ऑफ और ऑन, तो इतना कलर करेक्शन मैंने किया है। और बाकी शार्पनेस लाने के लिए मैंने ब्यूटी बॉक्स इफेक्ट जो अप्लाई किया है, जो कि बाहर से प्लगइन होता है, मिलता है, वो ऑनलाइन पेड लेना पड़ता है। तो ब्यूटी बॉक्स एक इफेक्ट कह सकते हैं, या प्लगइन्स भी कह सकते हैं, या फिल्टर कह सकते हैं, लेकिन वो इफेक्ट के द्वारा आ जाता है। ठीक है, तो आप, मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ फिल्टर के इफेक्ट के अंदर प्रीसेट और ब्यूटी, ओके, BEAU, ओके, यहाँ पर डिजिटल के अंदर ब्यूटी बॉक्स इफेक्ट है, वो अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर उससे थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज बन जाती है, जो अपने चेहरे पर जो पिंपल्स है वो कम हो जाते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है, जैसे कि पोर्ट्रेचर जैसे फिल्टर देते हैं वैसे। लेकिन उसको भी मैंने ज़्यादा किया नहीं है, सिर्फ 0.15 किया है उतना ही। और शार्पनेस देखा जाए तो शार्पनेस कितना बढ़ा है मैंने उसका, लगभग 10 के आसपास, 10 या 11, ओके, उसके अलावा कुछ छेड़ा नहीं है। ओके, तो यही दो इफेक्ट है मेरे, सबसे पहले ऊपर के, यहाँ पर ये फ्रेम है, ऊपर की ब्लैक पट्टी जो आती है फिल्म, ओके, और नीचे एडजस्टमेंट लेयर है, इसके अंदर जो कलर करेक्शन का इफेक्ट लगाया है न्यू एडजस्टमेंट लेयर पर, और ब्यूटी इफेक्ट लगाया है। ठीक है, और नीचे के सिंक्रोनाइज सबसे पहले करके लिया है, सारे चार टाइम लाइन पर, चार ने बाद में छः बन गई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्ले करके दिखा दो, ब्लैक इफेक्ट लगाया सबसे पहले 2 सेकंड का, फिर से वाइट डिजॉल्व इफेक्ट, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे एडिटिंग करने को, लगभग 2 दिन चले गए मेरे पूरे, क्योंकि ये सिंक करने को भी मैनुअल सिंक करना पड़ा, क्योंकि जब ओरिजिनल शूट किया था किसी वीडियो के अंदर ऑडियो है, किसी वीडियो के अंदर ऑडियो नहीं है, है तो भी वो बराबर सिंक नहीं होता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, तभी आपको मैनुअल काम करने का भी मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑटो सिंक नहीं होता है। ऑटो सिंक सिंक्रोनाइज करने के लिए दोनों भी वीडियो के नीचे भी ऑडियो सेम चाहिए, और MP3 अपना जो ऑडियो है वो भी सेम चाहिए, तभी ऐसे आप सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज का ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो के नीचे हो तो, अभी मैंने डिलीट किया है इसलिए नहीं दिखा रहा है वो ऑप्शन। ठीक है, और आगे चलते हैं, और क्या किया है देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 टाइमलाइन किया था, 3 टाइमलाइन पे 3 बैकग्राउंड के फुटेज है, पूरा इस पर ले लिया। हाँ, सबसे पहले मदन जी ने एक अच्छी बात कही थी कि जब वीडियो एडिटिंग का शूट करते समय, वीडियो जब शूट करते हैं आप, प्री वेडिंग का वीडियो हो या कवर सॉन्ग हो या बॉलीवुड का सॉन्ग हो, कोई भी सॉन्ग हो, तब सबसे पहले प्लान करना है कि मुझे किस किस तरीके से शॉट चाहिए। ठीक है, 2-3 कैमरे से कम 2 कैमरे से शूट करना चाहिए, एक क्लोज एंगल हो या एक वाइड एंगल हो। ठीक है, तो उन्होंने वैसे एक ही कैमरे से शूट किया है, एक ही लेंस से शूट किया है, लेकिन अच्छा सा शूट किया है। ठीक है, ओरिजिनल प्रोफेशनल कैमरा लगाया है, तो उन्होंने बात कही थी कि वीडियो के नीचे भी ऑडियो आना चाहिए, साउंड लगाना चाहिए, तभी अपने कैमरे के अंदर भी आवाज़ उनका ओरिजिनल भी, जो ऑन लोकेशन वीडियो शूट होता है उस पर भी MP3 गाना चलाना चाहिए, तभी वीडियो के नीचे ऑडियो आ जाता है। ठीक है, वो सिंक्रोनाइज करने को काम आ जाता है। और एक ओरिजिनल जो स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग होता है, वो वेब फॉर्म ओरिजिनल MP3 सॉन्ग्स, वो नीचे टाइमलाइन पर रखना है, ऊपर से ओरिजिनल वीडियो के फुटेज रखना है, तो वो दोनों सिंक हो जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने 2-3 बैकग्राउंड से बैकग्राउंड चेंज करके वीडियो शूट किया है, 3 जगह पे, 3 या 4 जगह पे, 4-5 जगह पे किया है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा कम किया है, तो वो भी फुटेज, क्योंकि जो सॉन्ग्स होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कट होते हैं। ठीक है, लगभग एक जो क्लिप्स होती है वो 3-4 सेकंड की होती है। ठीक है, 3 या 4 सेकंड, कोई फ्रेम होती है 5 सेकंड की, कभी कभी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट वाला सॉन्ग आ गया तो, म्यूजिक आ गया तो उसमें 2 या 3 सेकंड की भी क्लिप होती है, तो इसलिए
ज़्यादा बैकग्राउंड वाले शूट करना चाहिए, या क्लोज एंगल हो, वाइड एंगल हो, मिड एंगल हो, दो तीन एंगल से शूट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने दिया है स्टार्टिंग में ब्लैक इफेक्ट दिया है थोड़ा सा, जब गाड़ी स्टॉप होती है इसीलिए मैंने दूसरा इफेक्ट का यहाँ पे प्लेन दे दिया। शुरू में तीन ही इफेक्ट का इस्तेमाल किया है। ओके, यहाँ पे बीट चेंज हो गया इसीलिए यहाँ पर मैंने इफेक्ट लगा दिया। ओके, और आगे है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम चला गया था, 2 दिन लगे थे वीडियो एडिटिंग करने के लिए। 1 दिन तो फुटेज डालकर सिर्फ सिंक्रोनाइज करने को चला गया, उसके बाद में सारा का सारा कहाँ पर कट लगाना है, यहाँ पर मार्किंग लगाया था बीट के ऊपर, ऑडियो MP3 सॉन्ग के ऊपर मैंने मार्किंग लगाया था कहाँ कहाँ पर मुझे कट लगाना है। वो वीडियो सॉन्ग भी मैंने देखा था द ग्री इंडिया चैनल पर कि उन्होंने कैसा बनाया था, उस पर नहीं है, ओरिजिनल सॉन्ग सो यहाँ पर है, आसमा ठाकुर नाम के चैनल पर ओरिजिनल सॉन्ग है यहाँ पर है। लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा ये लगा कि जो वीडियो किया है उन्होंने उसमें जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर पूरा हटके उसको अलग से ही सेचुरेट हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने ध्यान रखा है कि इस पर मेरा जो वीडियो एडिटिंग है इस पर मैंने ब्लैक कलर को कभी जाने नहीं दिया, और कलर को भी आने दिया और शार्पनेस को भी आने दिया है, ठीक है। ये कोई भी मेरा वीडियो जो है एडिटिंग करते वक्त मैंने फ्लैट होने नहीं दिया, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी रखी है कि लाजवाब क्वालिटी रखी है। वीडियो की क्वालिटी एक्सपोर्ट करने के लिए मैं एक्सपोर्टिंग का भी आपको लास्ट में बताता हूँ कि एक्सपोर्ट करने का फुल HD क्वालिटी में, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है ये मैं अभी बता देता हूँ आपको कि ये जो है यहाँ पर बिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्किंग लगाया था MCIC मार्किंग, और यहाँ पर भी जहाँ पर मुझे चेंज करना है वहाँ पर मार्किंग लगाया था मैंने, ठीक है। तो देखिए अभी तो ये मैजिक क्या है कि जो अपने वीडियो क्लिप है उसके अंदर का जो, जो आ, आ, क्लिप है 1-1 सेकंड की वो मैंने कट किया है, ठीक है। कुछ कई जगह पर 3 फ्रेम कट किया है, कई जगह पर 2 फ्रेम कट किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 यहाँ पर 1 2 3 4, स्टार्टिंग में 4 फ्रेम, ओके, फिर से 2 फ्रेम रखा है 1 2, ठीक है, 2 फ्रेम कट, 2 फ्रेम रखा है 1 2, 2 फ्रेम रखा है, फिर से 2 फ्रेम मैंने कट किया है 1 फ्रेम 1 2, 2 फ्रेम रखा है 1 2 3, 3 फ्रेम रखा है। वैसे आपको ध्यान देना है कि इस पे इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। कुछ जगह पे मैंने 2 फ्रेम छोड़ के 2 फ्रेम कट किया है, कुछ जगह पे 3 फ्रेम छोड़ के 2 फ्रेम कट किया है, ठीक है। ज़्यादा ये इफेक्ट ऐसे अप्लाई होता है। आप व्हाइट लगाना चाहते हैं तो नीचे एक व्हाइट मैट एडजस्टमेंट लेयर लीजिए, और वो ऊपर की जो वीडियो क्लिप है उसके अंदर का 1-1 फ्रेम आप कट कर सकते हैं, 1-1 या 2-2, 1-1 किया तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन 2-2 किया तो एकदम बीट के ऊपर लगा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा वीडियो इफेक्ट होता है फास्ट सॉन्ग के अंदर। ओके, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि तो नॉर्मल एडिटिंग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये आपको लगता होगा कि नॉर्मल है लेकिन जब काम करने को जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप छोड़ ही दोगे, बीच में ही छोड़ दोगे कि ये करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 4 ट्रैक, 1 2 3 4, 4 ट्रैक ऐसे सिंक किया था, 4 ट्रैक एकदम पूरे के पूरे उसके अंदर फुटेज है वो लिया था, और उसमें मार्किंग लगाया था मैंने, नीचे मार्किंग हटा दिया है, और जो जहाँ पर जो क्लिप चाहिए वो किया था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नीचे लास्ट में फ्रेम रुकवाई है, ठीक है, आप देख सकते हैं।
ओके तो ऐसे यहाँ पर आपको जैसे कि ये फोटो निकलना है तो यहाँ पर आप कैच कीजिए, ठीक है, और ये सेव कीजिए या दोबारा यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर और फिर लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये लास्ट में रखवा दिया है और यहाँ पर ब्लैक डिजॉल दिया है, ठीक है। तो ऐसे मैंने सॉन्ग एडिटिंग किया है, तो आप तो आप समझ चुके होंगे कि एक बॉलीवुड सॉन्ग या कवर सॉन्ग्स कैसे एडिटिंग किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपके मन में कुछ सवाल छूट जाता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।